आप देख सकते हैं यही वो मशीन है जिससे आप एक घंटे में 80 केजी निकाल सकते हैं हाँ। और साथ ही आप एक घंटे में लघु उद्योग करके छोटा सा उद्योग लगा के जो कि डेली सेल होने वाले हैं हाँ। आप 3 से 5 हजार रुपया कमा सकते हैं एक घंटे प्रोडक्शन करके 3 से 5 हजार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। यही वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। इंडिया के किसी कोने में जाएंगे तो 50 से 60 रुपए किलो का उपलब्ध है और भारत सरकार द्वारा मान्यता है। भारत सरकार द्वारा अच्छे काम के लिए इस पे 35% सब्सिडी दिया जाता है क्योंकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे 30 से 40 प्रोडक्ट बना सकते हैं और मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। आप एकदम घर बैठे छोटे से एक 10 बाई 10 के रूम में हाँ। आप इसको आसानी से चला सकते हैं हाँ। और एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। हमारे पास पूरी रेंज है, आप जो चाहे वो मशीनें ले सकते हैं और पूरे स्टॉक में आप देख सकते हैं पूरी मशीनें लगी हुई हैं। आपको स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहेगी, पूरा स्टॉक आपको मिलेगा। यहाँ से सर कच्चा माल जाएगा ऊपर से जाएगा और हाँ, नीचे से ये फाइनल हाँ, निकल के तैयार और नीचे आपको ये ऑटोमेटिक फिट करके ये बर्नर होता है। ये जो बर्नर आप देख रहे हैं हाँ, ये बर्नर होता है साथ में हाँ, आप इसको जला के कर सकते हैं। ये है शानदार आपका सेपरेटर और सेपरेटर आपका सेपरेट कर देगा घंटे का 80 केजी आपका प्रोडक्शन देगा, एक फाइन प्रोडक्ट निकाल के देगा और एक आपके लिए अच्छा बिजनेस रहेगा। आप इसको पहले लगा लें, आसानी से इसको कस सकते हैं ऐसे आप इसको लगा के, और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाएं, इसके बाद इसकी कैप को ऐसे ऊपर से लगा दें, लगाने के बाद इसकी आप प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी आएगी। अब ये हमने इसको ऊपर से लगा दिया है और इसको मैंने दबा दिया, आप देख सकते हैं नीचे ये मोटर है, मोटर से आप ये पाइप के थ्रू हाँ। इसमें आप इसको अटैच करके हाँ और इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये आपका सेफ्टी वाल है हाँ और ये डियोडाइजर है, डियोडाइजर से आप इसके जो स्मेल है जो और है चीजें खत्म कर सकते हैं हाँ। और आपका ये मीटर है जो आपका प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर एक्सेस है आपका। ये आपका प्रोडक्ट फाइनल बनके निकला हुआ है हाँ जी। इसे एक ये प्रोडक्ट है, इसी तरह से कि 30-35 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं ऐसे इसको दबा के हाँ जी। और इसको आप मार्केट में अगर खुदरे में बेचना चाह रहे हैं रिटेल में हाँ। तो आप इसको दबा के पैकिंग करके बेच सकते हैं और हाँ। आपको अगर होलसेल में बेचना है हाँ। तो 5 केजी का आता है, 5 केजी बना के आप मार्केट में देख सकते हैं। देखें ये आपकी सेल्फ लाइफ इसकी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, मार्केट में सेल करने में आपको लगेगा कि हाँ कोई प्रोडक्ट हम अच्छा स्टैंडर्ड का, मतलब अपना ब्रांड भी बना सकते हैं, ब्रांड बना के दे सकते हैं। आप ऑलरेडी ब्रांड है, अगर आप ये लगा रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक ब्रांड बन गए हैं। अब देखें ये इसका वैक्यूम पैक पैक कर दिया, अच्छा वैक्यूम पैक हो गया ये हाँ। ओके अब ये निकल, इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप देखें कितना अच्छा प्रोडक्ट बन गया, बढ़िया प्रोडक्ट हो गया। और होलसेल में देना तो 5-5 किलो के बंडल बना के दे सकते हैं। मुकेश जी आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा हाँ। इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे हाँ। आपको मैं बना के हाँ। इसको दिखाता हूँ ये क्या चीजें हैं। ये तो बता दो रॉ मटेरियल का नाम क्या ये है क्या? ये आपको फाइनली मैं बता दूं, ये सोयाबीन है, सोयाबीन है ये हाँ, सोयाबीन से ये दूध बनता है हाँ। इसी का आप 30 से 40 प्रोडक्ट बना सकते हैं और मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। ओके तो अभी करना क्या है सर, ये सोयाबीन जैसे सर इसका हम आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे हाँ। कैसे ये बनता है हाँ। और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता बन सकते हैं पूरा डिटेल जानकारी ना सर मैं आपको देते हैं। चलो सर पहला स्टेप क्या करने वाले हो फिर? पहले अभी हम दूध निकालेंगे क्योंकि दूध से जो बनेंगे प्रोडक्ट हाँ। इसका जो वेस्टेज निकलेगा उसको ओकारा बोलते हैं, उस ओकारा से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको दिखाएंगे। इसको हमने 8 घंटा पानी में रख के फुला दिया हुआ है, ठीक है, और पानी में ये 8 घंटा सॉक करने के बाद अब ये फाइनल बना हुआ है कि इससे आप दूध निकाल लें हाँ। इसका वेस्टेज जो ओकारा निकलता है उससे प्रोडक्ट बना लें। अब ये रेडी स्टॉक जिसके आप बना सकते। पहला स्टेप हम करेंगे क्या, इस सोयाबीन की दाल को ये हाँ। दाल है ना कि सोयाबीन है, दाल है ये, दाल है ठीक है जी। जनरली लोग गलत क्या करते हैं उसको दाल न बना के केवल सोयाबीन कर देते हैं, वो प्रोसेस नहीं आएगा हाँ। बाकी वो डीपली मैं बताऊंगा उसमें फार्मूला क्या पड़ते हैं जिससे आपका स्मेल कलर टेस्ट स्मेल कैसे रिमूव होगा और अच्छी क्वालिटी का आप चाहें तो नॉर्मल पनीर बना सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका मैं प्रोसेस करूंगा इस ग्राइंडर में डाल के हाँ। इसका मिल्क निकालूंगा, इधर से सेपरेट करके ओकारा आएगा हाँ। इसके बाद इसको गर्म करने के लिए इसका बैक्टीरिया खत्म हो और 100 डिग्री पे मिल्क आ जाए इसके बाद अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए दही बनाना हो फ्लेवर्ड मिल्क बनाना हो या जो भी बनाना हो हाँ। इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे अब, ठीक है सर। अब इसको जो ओकारा निकलेगा क्योंकि हमारा बहुत वैल्यूएबल आइटम है हाँ। इस ओकारे को सेपरेट करने के लिए पहले इसमें हम एक बैग लगा देंगे हाँ। जिससे वो हमारा सेपरेट हो जाए और इसमें आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें सोया को डालेंगे, ये सोया इसके ऊपर में डाल देंगे और ये हॉपर में ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अभी सोयाबीन की दाल को इसमें हम डाल लेंगे हाँ। और डाल के तब इसके बाद प्रॉपर मात्रा में उसका हम आपको बताएंगे कितना पानी डालना है हाँ। अब इसको हम इसमें पानी डालेंगे, ओके हाँ चलिए हाँ
आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइन सोया मिल्क यहाँ निकल के आप देख सकते हैं निकल रहा है। ओके, ये तो तुरंत काम हो जाता है सर? हाँ, सेपरेट तुरंत करेगा, इधर आपका सोया निकालेगा ओकारा और इधर आपका मिल्क दोनों सेपरेट होता जाएगा। अब पानी हम एक किलो सोया है, अभी ये एक किलो में हम 7 लीटर पानी डालेंगे। अच्छा, हाँ, एक किलो सोया दाल में? हाँ, सोया दाल में, सोया लेना है, सोया की दाल न कि सोया। ओके, हाँ, एक किलो में 7 किलो पानी। हाँ, ये जो सेटिंग सर आप कर रहे हो, ये हाँ, क्या कर रहे हो? ये सेटिंग करने के लिए मोटा पतला के लिए होता है। अच्छा, आप दूध को मोटा निकालना चाह रहे हैं या पतला निकालना चाह रहे हैं? आप अगर इधर करते हैं तो हाँ, आपका मोटा आएगा, हाँ, इधर करते हैं तो पतला आएगा। और पानी डालिए। ओके, हाँ, अब आपका देख सकते हैं कि सोया मिल्क निकल के आपका रेडी हो गया, इसमें से आपका फिनिश हो गया, एकदम साफ हो गया ये आप। हाँ जी, अब हमारा ये मिल्क निकल के तैयार है, आप देख सकते हैं। ओके, ये तो सर मतलब सेकंड्स लगे इसको तो बस? विद इन 1 घंटे में 80 किलो ड्राई बीन हाँ, आपका ये निकालता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। हाँ, 1 घंटा में 80 किलो आप सोया निकाल सकते हैं। अब आपका ये मिल्क निकल चुका है, आप अब देख सकते हैं इसमें मिल्क निकल गया है। हाँ, अब इसका जो वेस्टेज जिसको बोलेंगे आप, हाँ, वेस्टेज इसको ओकारा बोलते हैं। हाँ, आप इस ओकारे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब इसको आप देख सकते हैं, देखें सर, इसका आपको अगर खोआ बनाना हो, बूंदी बनाना हो, लड्डू का हाँ, या तो आपको नमकीन बनाना हो, सोया चाप बनाना हो, जो भी प्रोडक्ट बनाने आपको बताएं, हम 30 से 40 प्रोडक्ट आप इसका बना मतलब सकते ये हैं। भी ये भी फेंकना नहीं है, ये काम आएगा, ये तो आपका प्रॉफिट है। ओके, मुझे लगा ये वेस्टेज फेंकना है। नहीं नहीं, ये यही आपका प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं एकदम महीन आपका खोआ और इसमें कोई अंतर ही नहीं पता चलेगा। अंतर नहीं, देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे देखें, ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है आपका, प्रोटीन पाउडर का ये बेस है। हाँ, अब आप करेंगे, इसमें सोया मिल्क निकल गया, हाँ, इस मिल्क टैंक से हाँ मोटर के द्वारा आप हाँ, इस स्टरलाइजर में दूध को स्टॉक कर लेंगे और बॉयलर से इसको स्टीम देंगे। तो पहले हम मोटर के द्वारा इसको इसमें स्टॉक करेंगे, मोटर स्टार्ट करिए वहां से, ये भी मतलब पंप कर लेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्लांट है ना ये, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। आप यहाँ से देख सकते हैं लेवल घटता जा रहा है, लेवल घटता जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये मोटर ऑटो ट्रांसफर करके स्टरलाइजर में भेज दिया, अब आपका देख सकते हैं ये दूध खत्म हो गया, खाली होता जा रहा है, यहाँ से मिल्क खत्म होगा और इस स्टरलाइजर में स्टॉक हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या? हाँ जी, ये हमारा बॉयलर है, हाँ, इस बॉयलर में ये 1 पे 1 केजी का जब स्टीम आ जाए, हाँ, ये देख सकते हैं मीटर, हाँ, अब 1 केजी से अबव है, हाँ, अब इसको हम स्टीम दे सकते हैं। ओके, इस स्टीम का आपको कैसे पता चलेगा हमारे में स्टीम इसमें हो रहा है गर्म? ये मीटर ये बताएगा, टेम्परेचर है अभी, हाँ, जो टेम्परेचर यहाँ का वातावरण ये बता रहा है, ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा, मिल्क को निकाल लेंगे और उसका प्रोडक्ट बना लेंगे, जो हमें पनीर बनाना हो, दही बनाना हो, दूध बनाना हो, प्रोडक्ट बना लेंगे। अब इसको हम इसमें स्टीम देंगे, मतलब हमने वेट करना है जब तक ये 100 पे ना जाए। हाँ, स्टीम इसलिए कि ये इसमें से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, हाँ, जितने भी इसके प्रोडक्ट बनेंगे फाइनल, जैसे दही बनाने 40 डिग्री टेम्परेचर पर बनेंगे, हाँ, तो उसको थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे, हाँ, अगर हमें पनीर बनाने हो तो 80 से 85 पे बनेंगे उसका हम बना सकते हैं। अब इसको हम स्टीम देंगे, धीरे धीरे इसका स्टीम खोलेंगे, आप देख सकते हैं इसमें आवाज आएगी। हाँ, आवाज आ रहा है सर, बिल्कुल, ये प्रेशर उठेगा यहाँ से, ऊपर वाला भी उठेगा प्रेशर, ये सेफ्टी वाल है, जैसे पहले क्या होता था कि कोई रिस्क ना हो, इस वजह से ये सेफ्टी वाल हम लोगों ने लगा दिया है। ओके, आप देख सकते हैं ये आवाज आ रही है, हाँ, इसमें स्टीम जा रहा है। ओके, अभी आप मीटर बढ़ता हुआ देखेंगे, ये अभी इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सर, है ना? हाँ, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब मिल्क ये गर्म हो रहा है, गर्म होने लग रहा है। ये लगभग वैसे कितने मिनट का प्रोसेस है सर? ये पहली बार 15 मिनट लगता है, हाँ, सेकेंड टाइम में 10 मिनट में एक बैच निकालेगा। ठीक है, और हाँ, एक बैच का मतलब कितना, कितना एक बैच में ये 50 केजी आता है, 50 केजी इससे छोटा वाले में 30 केजी आता है। ओके, ठीक है जी, अब देख सकते हैं 100 पे ये पहुंच गया है जी। अब इसको हम दूध को निकाल लेंगे, क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर पे दूध विड्रा कर लिया जाता है, हाँ, निकाल के फिर इसका जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं, हाँ, वो बनाया जाता है। ओके, अब इसका हम दूध निकाल लेंगे, हाँ, इसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क बनाना हो, दही बनाना हो, इसमें से निकाल के वो बनाया जाएगा। अभी हमारा 100 हो गया, अब हम गैस बंद कर देंगे, गैस बंद करके फिर अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हम गैस बंद कर दिए, हाँ जी, अब ये हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। ठीक, इसके बाद हम करेंगे क्या, ये जो स्टीम है, स्टीम को अब बंद कर देंगे, क्योंकि हमें अब स्टीम की जरूरत नहीं है, इसमें स्टोर रहेगा स्टीम। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, ये
ये बंद हो गया, ये बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमारा मिल्क 100 डिग्री पे पहुंच गया है। हाँ जी, अब इसको हम मिल्क यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक जी, आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत ये अभी क्या इसका मतलब पूरा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया फ्री हो गया। बैड बैक्टीरिया, इसके बाद हमें जो प्रोसेस है 40 डिग्री पे हमें दही को जमाना है। हाँ, या 85 पे हमें पनीर बनाना है। हाँ जी, या 60 डिग्री पे हमें सोया मिल्क का जो फ्लेवर बनाना है, कई टाइप का फ्लेवर बना सकते हैं। हाँ हाँ, आप उसे देखिए, आप टेम्परेचर जितना मिल्क निकलेगा ये टेम्परेचर घटता चला जाएगा, होता जाएगा। देखिए अब ये डाउन होता जाएगा। हाँ, मैं देख रहा हूं, अभी हमने 100 पे निकाला था, 90 पे आएगा क्योंकि इसमें से मिल्क निकल रहा है। हाँ जी, अब इसमें करेंगे क्या, ये हम फ्लेवर्ड मिल्क और दही बनाने के लिए, हाँ, इसमें हम अपना निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने ये मिल्क निकाल लिया जिससे आप फ्लेवर्ड मिल्क और दही हम बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी तो हम सिर्फ सैंपलिंग के कर रहे हैं। हाँ, सैंपल के लिए बना रहे हैं, कैसे बनेगा। अब इसको हम बंद कर देंगे। हाँ, अब इसमें करेंगे हम, हाँ जी, इसमें जो हम फार्मूला डालते हैं पनीर बनाने के लिए जी, वो फार्मूला डाल के हाँ, और पनीर बना देंगे। पहले तो हम करेंगे क्या, इस मिल्क को थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें हम अपना फार्मूला डाल देंगे। ओके, ये हो गया। हाँ, ये क्या डालना है बताएंगे सर? ये सेक्रेट फार्मूला होता है। ओके, आप कस्टमर जब यहाँ विजिट करेंगे, हाँ, जो तो प्लांट लगाएगा उसको बता दिया। हाँ, प्लांट लगाएगा तो उसको तो बताना ही है ना। हाँ, और कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे। ठीक है, इसको ढकने के बाद, हाँ जी, 10 मिनट, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है। ओके, तो ये बॉन्डिंग कैसे बनाएगा। हाँ, इसलिए थोड़ा सा ढक देते हैं। हाँ, इसकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी आती है। अब इसको ऐसे हम ढक देंगे। ठीक है, और 5 से 10 मिनट बाद इसका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अभी जब तक ये पनीर बन के तैयार हो रहा है, हाँ, तब तक हम आपको दूध फ्लेवर्ड वाला, हाँ, और दही, ओके, कैसे होता है, हाँ, मैं आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मिल्क। हाँ जी, इसमें एक हम अभी इलायची का बना रहे हैं। हाँ, इलायची, ये है इलायची का फ्लेवर। हाँ जी, इसको थोड़ा सा हमें डालना है, ये थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिए। हाँ, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड ग्रेड कलर। ओके, क्योंकि मार्केट में कलर का डिमांड ज़्यादा है। हाँ जी, तो जो चीज़ें उसका प्रेजेंटेबल भी बनाते हैं। हाँ, उसको प्रेजेंटेबल, तो ये है आपका फूड ग्रेड कलर, कलर हो गया। अब इसको हम चला लेंगे। हाँ जी, और आप देख सकते हैं ये इलायची का जो नेचुरल कलर होता है। हाँ जी, हाँ जी, उस ग्रीन कलर में आ, ग्रीन कलर में, हाँ, ग्रीन कलर में हल्का, हाँ, हल्का ग्रीन आ गया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये रेशो भी सर मतलब ट्रेनिंग में आप बता देंगे। हाँ, ना कि कितने दूध में कितना में ही डालना है, बताते हैं क्या क्या चीजें पड़ेगी जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। हाँ, जैसे आपकी क्वालिटी बेटर होगी। हाँ, और आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने लायक हो। वैसे इसका सर सेल्फ लाइफ रहेगा क्या, जब सेल्फ लाइफ आप अच्छी बना सकते हैं पैकिंग करके। पैकिंग, अब आप देखें इसको मैं पैकिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। जब आप सेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं तो मैं पैकिंग करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जी। आप इस पे अपना लेबल लगा के, FSI मार्का लगा के, हाँ जी, अपना कंपनी का लोगो लगा के, मैन्युफैक्चर्ड बाय अपनी कंपनी का नाम। हाँ, और ये आप देखिए, ये बेचने के लिए ये रेडी है। ओके, और नेचुरल ड्रिंक है, नेचुरल ड्रिंक, नेचुरल ड्रिंक, यही एक ड्रिंक है सोया मिल्क। हाँ, जो नेचुरल ड्रिंक है, बाकी जितने आते हैं सब केमिकल वाले होते हैं, आर्टिफिशियल है। हाँ, अब इसके बाद आपको दही बना के मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये दही बनाने के लिए कल्चर होता है, ठीक है, इसको कल्चर हम डाल देंगे। हाँ, और कल्चर को अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, और इसका भी रेशो ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा कि कितने में कितना मिलाना है। हाँ, ये मैं पूरा बता देता हूँ, कितना कौन सा पड़ेगा, कितना फ्लेवर्ड पड़ेगा, कितना कल्चर पड़ेगा। हाँ, कैसे उसका क्वालिटी अच्छा आएगा। ओके, इसके बाद हम डाल के, हाँ, और इसको हम जिस भी पॉट में आपको जमाना हो, बड़े में करना है तो बड़े में, हम अभी आपको छोटे से मिट्टी के बर्तन में कर रहे हैं। ओके, और ये आप इसके लिए कर्ड मेकिंग मशीन आती है। हाँ, उसमें आप डाल देंगे। ओके, उसमें आपको 3 घंटे में दही जमा के आपको कंप्लीट निकल जाएगा। ओके, ये कुल्लर बेस दही हो गया। हाँ, ये कुल्लर बेस मार्केट में आप देने के लिए आसानी से दे सकते हैं। हाँ, अच्छा क्वालिटी का दही सकते हैं, जिसको देंगे वो लगेगा कि हाँ नेचुरल चीजें आप दे रहे हैं, मार्केट में कुछ फेक नहीं दे रहे हैं। कोई जमा हुआ प्रोडक्ट है सर जो पहले से 3 घंटे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप ये दही देख सकते हैं, ये देखिए बहुत शानदार है। अब इसको काट के देखिए, इसमें और केक में आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया।
और इसको भी सर दही को भी तो थोड़ा मिष्टी दही ऐसा करके हाँ, आप इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे तो मिष्टी दही हो जाएगा। सादा दही करना है तो आप देखें एकदम केक इलायची फ्लेवर केसर फ्लेवर फ्लेवर डाल के दे सकते हैं बिल्कुल, और वो आपका मतलब रेट उससे मार्जिन बढ़ जाएगा आपका। आपका ये 10 मिनट बीत चुका है, हमने आपका फ्लेवर्ड मिल्क और दही बना दिया, अब ये आपका 10 मिनट हो चुका है। अब ये पनीर बन के आपका रेडी है, मतलब दूध फट चुका है, दूध फट चुका है। हाँ। इसको आप पनीर बना सकते हैं। अब आप देखें ये होता है क्वालिटी वाला सोया मिल्क, आप देखें ये लगेगा केक है। हाँ। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। हाँ। ये देखिए इसको बोलते हैं बिल्कुल बेस्ट पनीर, बेस्ट पनीर बिल्कुल ठीक है ओके बहुत बढ़िया। अब इसको देखें सर बहुत बढ़िया, और क्वालिटी आपकी एकदम क्वालिटी भी अच्छी, और मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन भी कितना फास्ट मिलेगा इसमें। अब आप देखें सर इसका अच्छे पनीर की पहचान ये होती है कि पानी अलग और आपका पनीर अलग हो जाएगा। अब देखें सर ये देखो ये क्वालिटी आई। हाँ जी, बस अब इसको निचोड़ना होगा हमें सर, निचोड़ के एक शेप दे देना है, शेप देना है। अब देखें सर ये बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार आया हुआ है। अब आपको इसमें हम दिखाएंगे जब इसको प्रेस मशीन में डालेंगे शेप देने के लिए। हाँ। तो इसका पानी अलग आपको दिखेगा। ओके चलिए सर वो प्रोसेस और देख लेते हैं। अब आप देखें ये एक छोटा सा हमने प्रेस मशीन निकाला हुआ है। हाँ। ये देखिए इसमें आप डाल के हाँ। एक कपड़ा लगा लेंगे, ठीक, ये कपड़ा लगा के हाँ। और इसमें दबा के पनीर का शेप आप दे सकते हैं। ओके इसको ऐसे डाल के तो एक स्क्वायर शेप में प्रॉपर प्रेजेंटेबल एक वो लगेगा। हाँ हाँ, क्योंकि मार्केट में देंगे तो एक अच्छे क्वालिटी का पनीर लगना भी आपको लगे कि हाँ एक अच्छे क्वालिटी का पनीर दे रहे हैं, उस पे शेप है, वो हाइजीनिक है, जो चीजें मार्केट में प्रेजेंट हो तो लगे कि हाँ कंपनी का एक ब्रांड है। हाँ जी, अब इसमें करेंगे क्या जी, इस पनीर को डाल देंगे। ठीक है जी, छोटा सा ये प्रेस मशीन है, हमने इसलिए लिया हुआ है कि एज ए डेमो दिखा रहे हैं। हाँ। आपको जो दिया जाएगा 8 से 10 किलो का प्रेस मशीन दिया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ डेमो के लिए? हाँ, ये डेमो के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम एक शेप दे देंगे। ओके जी, ये इसको ऐसे फोल्ड कर देना प्रॉपर। हाँ। अच्छे से ये प्रॉपर फोल्ड करके इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको एक शेप दे देंगे। ठीक है, अब इसको अंदर कर लेंगे और ऊपर से जो थ्रेड है थ्रेड को घुमाएंगे और सारा पानी बाहर निकलता चला जाएगा। हाँ, सारा पानी बाहर निकलता जाएगा। हाँ। इसमें होल प्रॉपर दिए गए हैं प्रेस मशीन में जिससे आपका पानी बाहर आ जाए और इसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का पनीर बन के तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं इसको प्रेस मशीन में हमने दबा दिया हुआ जी, है जी। ये मैनुअल प्रेस मशीन है। हाँ। इससे बड़ा दिया जाता है, जो प्लांट दिया जाता है उसके साथ 8 से 10 किलो का दिया जाता है। हाँ। लेकिन आपको अगर चाहिए किसी हाँ। को चाहिए पैर से दबाने वाला तो ये हाँ। पैर से वाला है और इसे ये पैर से दबा के ना, मतलब नहीं ये सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है इसे पैर से दबा किया जाता है। ऑटोमेटिक ये होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें करते क्या है, यहाँ से स्टीम लगा इसका प्रेशर दिया जाता है और इसको ऐसे उठाया जाता है। ओके okay. तो मतलब आपने हर तरीके के ऑप्शन रखे हैं। हाँ, जिसको जितना बड़ा प्लांट लगाना वो लगा, जितना बड़ा चाहिए जिस टाइप का चाहिए। हाँ, वो हम दे सकते हैं। बढ़िया, देखिए सर ये पनीर बन के तैयार है एकदम फ्लफी। हाँ, और आपका व्हाइट बिना स्मेल के, बिना किसी कलर के एकदम आपका व्हाइट दिखेगा बिल्कुल, और कलर टेस्ट स्मेल आपका एकदम रिमूव है। अगर गाय भैंस की बात करें और सोया की बात करें तो थोड़ा सा ये कंपैरिजन में हल्का हल्का पीला होता है, लेकिन आप देखेंगे तो एकदम व्हाइट पनीर आपको दिखेगा, एकदम स्मूथ दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल गाय भैंस की तरह ये पनीर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और फायदे भी मैं देख रहा हूँ कि एक बार को अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मना कर देते हैं, लेकिन सोया वाले पनीर को सोया लेंगे जिससे कैंसर की प्रॉब्लम है, अर्थोन्यूरो प्रॉब्लम है, आपका लकवा की प्रॉब्लम है, या जिसको भी शरीर से जो भी बीमारियां हैं या फिर कमजोर आदमी है उसको सोया ही चाहिए, जिसको ओमेगा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, तो उसको ये जैसे कैल्शियम चाहिए तो उसको यही पनीर चाहिए, सबसे बेस्ट पनीर रहेगा ये, क्योंकि फैट और कोलेस्ट्रॉल किसी को नहीं चाहिए। हाँ जी, इसको एक बार हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ा ताजा भी है मैं देख रहा हूँ। हाँ, एकदम ताजा है। थोड़ा सा अगर इसको रख दिया होता हमने आधा घंटा, अगर आप इसको फ्रिज में रख दें। हाँ, या थोड़ा सा और दबा दें। हाँ, आप देखिए ये जो अपना पीस बन के तैयार है, बहुत आप इसको देखें, बहुत कितना अच्छा पनीर है। अभी देख रहे हैं इसमें गर्म स्टीम आ रही है, गर्म स्टीम भी आ रही है। हाँ, बिल्कुल, ये देखें ये एकदम अच्छा पनीर बन के तैयार है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं सर, 1 किलो सोयाबीन से आप 10 लीटर दूध बना सकते हैं, 2 किलो टोफू बना सकते हैं, 5 किलो दही बना सकते हैं और 10 लीटर लस्सी बना सकते हैं। 1 किलो टोफू की कास्टिंग 65 रुपये आएगी, मिल्क की अगर बात करेंगे तो 10 रुपये आएगा,
कर्ड की बात करेंगे तो 20 रुपया आएगा और लस्सी की बात करेंगे तो 11 रुपया आएगा। सर मिनिमम 150 लीटर ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की जो जरूरत पड़ेगी 100 स्क्वायर फुट की आपको जरूरत है। इसके बाद इलेक्ट्रिक की बात करें तो 2 किलोवाट का सिंगल फेस कनेक्शन चाहिए, ड्रिंकेबल वाटर चाहिए और ड्रेनेज फैसिलिटी मस्ट है। सर अगर बिजनेस अगर स्कोप की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सुपर मार्केट में आप इसको दे सकते हैं, ऑनलाइन फूड इस समय बहुत ज्यादा जा रहा है, ऑनलाइन आप बेच सकते हैं और जितने आपके कैंटीन है, हॉस्पिटल है, जितने मार्केट आप देख रहे हैं रिटेल मार्केट उसमें आप दे सकते हैं, जिम में दे सकते हैं, मेस में दे सकते हैं, स्पोर्ट्स जितने सेंटर है वहां पे आप दे सकते हैं, जहां पब बार है वहां आप दे सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट ऑलरेडी है और छोटे मार्केट में जितने आपके चाट वाले हैं, मोमोज वाले हैं उसको आप दे सकते हैं। भारत सरकार इस पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है कि ये एक मेले का आयोजन करा के ये गवर्नमेंट की तरफ से मंत्री यहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डीएम कमिश्नर यहाँ पे आके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप इस प्लांट को लगाइए। सोया मिल्क के कई प्रकार के आप बना सकते हैं, इलायची फ्लेवर हो गया, केसर हो गया, मैंगो हो गया और चॉकलेट हो गया, आप कई फ्लेवर में सोया मिल्क बना सके, मार्केट में नेचुरल ड्रिंक बेच सकते हैं। सोया प्रोडक्ट अगर आप देखें हेल्थ के पर्पज से तो आप इसमें जो न्यूट्रिशन है आप प्रोटीन सबसे ज्यादा हाई होता है, इसमें 33% प्रोटीन आपको मिलेगा। अगर फाइबर की बात करें तो 24% का फाइबर है। अब विटामिन की अगर बात करें तो इसमें जितने विटामिन आप देख सकते हैं हर विटामिन इसमें है, जितने आप देखें तो मिनरल की बात करें तो मिनरल में पूरे मिनरल आपको इसमें मिल जाएंगे जो आपके शरीर के लिए चाहिए। मुकेश जी मैंने अभी आपको प्रोडक्ट बना के दिखा दिया जैसे दही दूध पनीर बनता है। चलिए मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाते हैं। ये भिटारी रोड है, ऐसे आएंगे आप, ये महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर से ठीक सामने देखेंगे तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे हमारी मशीनें बन के तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये प्रोडक्ट मशीनें बन के तैयार हो रही हैं, यहाँ पे कटिंग हो रही है, एक अच्छे क्वालिटी की मशीनें यहाँ पे बन के तैयार है जिसका फूड ग्रेड क्वालिटी है 304। इसके बाद आप देखेंगे तो मशीनों का पूरा रेंज आपको मिलेगा, 150, 250, 400 जो आपका रहेगा। हमारी ये आर्गन वेल्डिंग हो रही है, यहाँ पे ये काम चल रहे हैं और आपकी ये क्वालिटी है, ये बॉयलर है, ये आपका स्टेलाइजर है, मिल्क टैंक है, सब कुछ अपने आप बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट हम अपने खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। ओरिजिनल पनीर 65 रुपीज पर केजी की कास्टिंग आएगी और ये फिर इसमें बेच मतलब होलसेल में अगर देंगे तो क्या रेट बिकेगा फिर वो? 150 रुपए बिकते हैं, 150 रुपए किलो। हाँ ये तो बहुत अच्छा मार्जिन आ गया सर। अच्छा मार्जिन है, उसके साथ साथ आप जो मार्केट में गारंटी के साथ बता रहेगा कि मैं असली हूँ, हमारे में कोई मिलावट नहीं है। सही है। अच्छा सर फिर मान लीजिए जैसे हमने बना लिया, आपकी तो जो प्लांट है प्लांट की कैपेसिटी अच्छी है, एक घंटे में आप बता रहे हो कि 30 किलो पनीर बन जाएगा इस प्लांट से, तो 30 किलो पनीर अगर सिर्फ एक घंटा ही मैंने चलाया मशीन, 30 किलो बनाया प्रोडक्शन लिया, तो उसको देखो नया बंदा क्या होता है सर, उसको बेचने में तकलीफ आती है, है ना, पहले दिन कस्टमर, तो कहाँ बेचे है उसको 30 किलो पनीर ले जाकर के? हाँ यही है, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कतें वही आती हैं जो नया आदमी है, वो उसके लिए अलग मार्केट ओपन तो है नहीं कि आप जाएगा और वहाँ बेच लेगा, तो उसके लिए परिश्रम करना है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम 5-स्टार होटल में चले जाएं, बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, हम छोटे लेवल पे पहले काम करेंगे, जितने छोटे लेवल के हैं, जैसे कोई गोलगप्पा बेच रहा है, ठीक है जी, कोई मोमोज बेच रहा है, चाट बेच रहा है, इडली डोसा बेच रहा है, चौमिन बेच रहा है, मोम, जितने छोटे छोटे स्टॉल वाले हैं पहले उसको पकड़ेंगे, 2 किलो 4 किलो 3 किलो करके हम 20 किलो 30 किलो के एक रेंज तक जाएंगे। 20-30 किलो हम बेचना चालू कर लिए तो एक हमारी अच्छी इनकम डेली का 3,000 से 4,000 5,000 आने लगा। इसके बाद हम आगे उसको और ज्यादा सेल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं सर? हाँ इसके बाद होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, हॉस्टल, जिम, मेस, अच्छा जितने हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए कोई लाइसेंस भी लेना पड़ेगा या वैसे ही बिना लाइसेंस हो जाएगा? बिना लाइसेंस के तो खाने पीने वाली चीजें हैं इसको आप नहीं चला सकते। लाइसेंस वो आपको FSSAI का लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस, वो भी हम करा के देते हैं, उसकी कोई चार्जेबल नहीं है, वो फ्री में हम करा के देते हैं आपको। सर फिर और ये जो मशीन जो लेगा आपसे कोई, तो आपने सिर्फ यहाँ से भेज दोगे या इंस्टॉलेशन भी कराओगे उसका? मशीन लेगा तो प्रॉपर उससे पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर इसके बाद अगर वो उसको एग्री करता है कि हाँ हमें मशीनें अच्छी हैं, वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो मशीन यहाँ से हम भेजेंगे, यहाँ से हमारा इंश्योरेंस होता है कि उसमें अगर वो मशीन जाएगा, कहीं टूट फूट हो, चोरी हो गया, कुछ भी, वो हमारी गारंटी रहती है उसका वहाँ जाएगा। हमारा वहाँ पे इंजीनियर जाके उसको मशीन को इंस्टॉल करेगा, प्रोडक्ट बना के दिखाएगा,
इसके बाद वो संतुष्ट हो जाएगा, तब हमारा आदमी आता है। मशीन में जैसे छोटा मोटा कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आ जाए, कोई वारंटी वगैरह? कोई उसमें डिफॉल्ट आने के कोई उसमें है नहीं, क्योंकि स्टील की मशीनें होती हैं। वैसे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए 1 ईयर का हम उसमें वारंटी दे देते हैं। प्लांट लगाने का कितना खर्चा आएगा वो थोड़ा बताओ सर। सर मिनिमम अगर देखा जाए तो 150 लीटर कैपेसिटी का प्लांट हमारे पास है। हाँ। फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, जो कि ग्राइंडर, बॉयलर, स्टेलाइजर, मिल्क टैंक स्टैंड, पनीर प्रेस मशीन, पाइप सेटअप और ट्रांसफर पंप। हाँ। फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। एक सेमी ऑटोमेटिक आता है, वो सस्ता आता है, लेकिन हम सेमी ऑटोमेटिक के लिए रिकमेंड नहीं करते, हम फुली ऑटोमेटिक का ही रिकमेंड करते हैं। वो 1,50,000 रुपए का आएगा। हाँ जी। और उसमें सर एक जैसे हमने मिनिमम एवरेज लेके चले कि भाई 30 किलो पनीर का जो मिनिमम मरे से मराम सोच रहे थे, लेकिन आपके जो पुरानी मशीन्स किसी ने ली होगी जो साल दो साल पुराने, उनका कोई एक एवरेज बताओ ना सर कितना तक सेल हो जाता सर है? जो हमारे साल दो साल पुराने कस्टमर हैं। हाँ। जो मशीन लगाए हुआ है जी, लमसम में 100 kg के नियर, कोई 90 किलो, कोई 110 किलो, कोई 80 किलो, मतलब 100 kg के आसपास बेचते हैं। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से फिर कितना धंधा वो कर रहे होंगे? डेली का अगर हम देखें तो 10,000 रुपए इनकम कर लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, तो लेकिन मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो ऐसा। अगर आप दो साल पुराने लगाए हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उतना इनकम नहीं कर सकते। हाँ, कोई 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 ऐसा भी होगा जिसने कुछ भी नहीं कमाया होगा, ऐसा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिपेंड करता है ये सारी चीजें के आप कितनी मेहनत करते हो, मार्केटिंग क्या कर रहे हो, कितना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप एफर्ट कितना लगा रहे हो। तो हर बिजनेस में दम होता है, लेकिन करने वाले की नियत के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो आपको पसंद आएगा, और जेन्युइनली जेन्युइन तरीके से अगर मैं कहूं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप मार्केट में देखोगे तो पर जो टोफू है, जो पनीर है, वो तकरीबन हर जगह बिक रहा है। तो आप अपनी आसानी से जो है ना अपनी क्वालिटी दिखा करके अपना एक ट्रस्ट बना सकते हैं मार्केट के अंदर, और अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और मशीन चाहिए, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो सर्वेंदु सर और उनकी टीम, उनका नंबर है भाई स्क्रीन पे, आप बात कीजिएगा, और मैं आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया से शानदार बिजनेस आइडिया के साथ दोबारा से फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सर्वेंदु सर आपका धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। नमस्कार।